Dear participants, students and members of our teacher educators for school service community, on behalf of this community, I welcome you all. और आज हमारे साथ मंच पर हैं डॉक्टर योगेश कुमार जी, जो कि हमारे इस कम्युनिटी उप शिक्षक बहुत बड़ी कहें तो उसका उपयोग कितनी होगी, यूजीसी नेट एजुकेशन सब्जेक्ट से कोचिंग की निःशुल्क व्यवस्था हमारे इस मंच के माध्यम से आयोजित हो रही है। उसी कड़ी में हम आपके सामने उपस्थित हैं और एक मेरा आधा मिनट चाहूंगा मैं। योगेश जी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेटवर्क फ्लक्चुएट होने की वजह से मुझे लगता है कि अभी हट गए हैं नेटवर्क से, और मेरी आवाज मुझे लग रहा है आप तक पहुंच रही है। नेटवर्क की वजह से मुझे दो डिवाइस से जुड़ना पड़ा है यार। तो आप सभी मित्रों का इस मंच पर स्वागत है। आज योगेश जी मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है ना? ठीक है, थैंक यू अफजल अहमद जी ये कंफर्म करने के लिए। जैसा कि हमने बताया था और इनवाइट किया है, हमारी पूरी टीम जो इस कोचिंग की प्रिपरेशन में लगी हुई थी, उसने जब ये देखा है कि इस कोचिंग में रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या 2500 है, 2500, तो इस संख्या ने हम सबको उत्साहित भी किया है और हमारी जिम्मेदारी को भी बढ़ाया है कि हम पहले से अधिक सजग हो करके इस काम को करें। योगेश जी निरंतर तैयारी में लगे हुए थे, टाइम टेबल बन गया है लगभग। इस कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद ये जो आज का ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, हम अपने फेसबुक ग्रुप में उस टाइम टेबल को आपको भेज देंगे, अपलोड कर देंगे, साथ ही आपको ईमेल भी कर देंगे। लेकिन आप जितने भी लोग अभी इस कार्यक्रम से जुड़ गए हैं या आप बाद में इस ओरिएंटेशन क्लास को देखेंगे, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे गूगल ग्रुप को ज्वाइन करें। गूगल ग्रुप पर्टिकुलर इसी पर्पज के लिए बनाया गया है। आप सभी यूजीसी नेट एजुकेशन की कोचिंग के लिए जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, उन सब के लिए एक सेपरेट गूगल ग्रुप बनाया गया है, जिससे कि आप सभी 2500 की संख्या में जितने भी प्रतिभागी हैं, उन सबसे हम आसानी से संप्रेषण कर सकें, आपसे कम्युनिकेट कर सकें। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम एस्टैब्लिश कर सकें
साथ ही साथ हम अपने प्लेटफॉर्म पर फेसबुक ग्रुप पर डेली ऑनलाइन कोचिंग क्लास ऑर्गेनाइज करेंगे। संडे को ब्रेक होगा, शाम को 6 से 7 हमारी क्लास होगी। जो टाइम टेबल प्री डिसाइडेड रहेगा उसके अकॉर्डिंगली आपको पता रहेगा किस टॉपिक पर क्लास होनी है, कौन से टीचर हमको आज पढ़ाने वाले हैं। उस टाइम पर आकर के आप फेसबुक ग्रुप में हमारे टीचर की क्लास को ज्वाइन करेंगे। आपके मन में जो भी क्वेरी होगी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेजेंगे और वो हमारे एक्सपर्ट को जब वो लाइव होता है तो वो दिखता है आपका क्वेश्चन या आपकी क्वेरी। इसके अलावा जो हमारी टीम है आपके क्वेश्चंस को चैट बॉक्स में रिस्पोंड करेगी, ये भी हमारी कोशिश रहेगी। हमने पूरे एजुकेशन नेट के सिलेबस की मैपिंग की है और उसको यूनिट वाइज पार्ट वाइज बांट करके उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है एक्सपर्ट के बीच में। 4 दिन हमारी क्लासेस पेपर 2 जो कि हमारा एजुकेशन डिसिप्लिन है, एजुकेशन सब्जेक्ट है, उसके लिए होगा। 2 दिन हमने पेपर 1 उसके लिए क्लासेस को रखा हुआ। यदि किसी दिन हमारे एक्सपर्ट 6 से 7 बजे उपलब्ध नहीं हो पाते हैं किसी कारण से, तो उस दिन की क्लास 7 से 8 बजे शाम को ही हम क्लास ऑर्गेनाइज करेंगे, जिससे कि आप किसी संस्था में यदि पढ़ रहे हैं, एमएड के स्टूडेंट हैं, आप एमए एजुकेशन के स्टूडेंट हैं या कहीं पढ़ा रहे हैं, डिग्री आप ले चुके हैं एमएड की, एमए एजुकेशन की, तो आप उस संस्था के दायित्वों से 5 बजे फ्री होकर के आप इस काम को कर सकें और हमारे एक्सपर्ट भी कहीं ना कहीं इंगेज हैं। सो यू कैन अटेंड अवर सेशंस एवरी डे फ्रॉम 6 PM टू 7 PM। शेड्यूल टाइमिंग इज 6 PM टू 7 PM। ओनली 1 आवर कोचिंग क्लास विल बी ऑर्गेनाइज फॉर यू। We will share our timetable in our Facebook group and we will also send you our timetable to your registered email ID. यही कुछ बातें मैंने कही हैं। अब मैं आज चूंकि फर्स्ट डे है, आज टुडे इज फर्स्ट डे ऑफ कोचिंग, आवर चीफ कोऑर्डिनेटर डॉक्टर योगेश जी विल ओरिएंट यू रिगार्डिंग कोचिंग, रिगार्डिंग सिलेबस। टुडे इज फर्स्ट डे, आई इन्वाइट हिम टू प्लीज orient our audience, orient our aspirants for UGC NET education। एक उनको ये पता चले कि क्या उनको पढ़ाया जाना है, क्या स्कीम ऑफ स्टडी होनी चाहिए या कैसे हम लोग कोचिंग को प्लान कर रहे हैं, हमारा फोकल पॉइंट क्या रहेगा। डॉक्टर योगेश जी प्लीज आप अनम्यूट करके। पहले मैं सोनू सर का धन्यवाद कहना चाहूंगा, सर आपने मुझे मंच दिया, मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी कि मैं जो स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मैं कर सकूं। और कोशिश हम लोगों ने सबने मिलकर यही की है कि हम लोग जो हमारे बेस्ट एक्सपर्ट्स हैं उनके हेल्प लेते हुए और यूनिट वाइज सारी चीजें कवर करते हुए यूजीसी नेट का जो बहुत से लोगों का सपना रहता है कि हम लोग यूजीसी नेट क्वालिफाई करें और जीआरएफ क्वालिफाई करें और जो कि उनको फाइनेंशियली भी हेल्प करता है और जॉब में तो करता ही करता है। तो सबसे पहले तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा। शुरू करने के लिए मैं आपको अपना नाम और अपने बारे में बता देता हूँ। योगेश कुमार शर्मा है, मैं राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय सिंगरा मऊ जौनपुर में कार्यरत हूँ और यूजीसी नेट से मेरा जो ताल्लुक है वो काफी पुराना रहा है। और जैसा कि मैंने एक अलग अलग सब्जेक्ट क्वालिफाई किया और यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स को गाइड भी किया है, तो उन सबको एक एक्सपीरियंस लेते हुए ये यहाँ मैं पूरा अपने एक्सपीरियंस का उपयोग करते हुए ये कोशिश करूंगा कि सबके साथ
एक 100% जस्टिस रहे, और जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, क्लासेस शुरू, आज इंट्रोडक्शन क्लास है, क्लासेस हम लोगों की कल से शुरू हो जाएंगी और प्रॉपर क्लासेस चलेंगी। जैसा कि समूह सर ने बताया, फर्स्ट डेज मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे हम लोगों की जो क्लासेस रहेंगी पेपर टू की रहेंगी, और यूनिट वाइज हम लोग सिलेबस को मूव करेंगे। वी विल कवर ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ द सिलेबस एंड विद स्पेशल रेफरेंस टू द यूजीसी नेट क्वेश्चन पेपर्स एंड ऑल द टॉपिक्स, और जितने भी हमारे पास रेफरेंसेज अवेलेबल होंगे, बेस्ट रेफरेंसेज को यूज करते हुए टॉपिक्स वन बाय वन हम लोग कवर करेंगे। और लास्ट में जो टू डेज है, फ्राइडे और सैटरडे, उसमें पेपर वन की क्लास, पेपर वन की क्लास हम लोग यूनिट वाइज ही शुरू कर रहे हैं। आप लोगों से ये मेरी एक रिक्वेस्ट है जो मैं ग्रुप के माध्यम से सभी को कहना चाहूंगा कि हम लोग इस कार्य को करने के लिए आगे आए हैं, कि ये कार्य तब नहीं होगा जब जितने भी लोग जुड़े वो इसमें लगातार जुड़े रहे। देखिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना या क्लास में पढ़ाई करना, ये दो अलग अलग बातें होती हैं। जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए जरूरी चीज होती है कॉन्टिन्यूटी। अगर आप चले, हम लोग यहाँ पे आपको टॉपिक कवर कराते हैं, आप लोग उन, और जो हम लोग यहाँ पे आपके क्विज लेंगे और जो हम आपके मॉक ऑर्गेनाइज करेंगे, तो अगर आप सारी चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं तो वी कैन अश्योर यू आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। और यूजीसी नेट के बारे में आपको बता दूं, बहुत से लोगों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है यूजीसी नेट के बारे में। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि पहले यूजीसी कंडक्ट कराती थी, बीच में सीबीएसई ने इसको कंडक्ट कराना शुरू किया इस एग्जाम को, और राइट नाउ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इज ऑर्गेनाइजिंग टेस्ट। तो ये जो टेस्ट है नेशनल लेवल का टेस्ट है एंड इट इज द ओनली एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। हालांकि 2018 के जो नॉर्म पीएचडी भी कंपलसरी की गई है, लेकिन अभी भी यूजीसी नेट को मैंडेटरी रखा गया है। आगे जब भी रूल्स रेगुलेशन चेंज होंगे दैट्स अ पॉलिटिकल इशू, लेकिन यूजीसी नेट का जो इम्पोर्टेंस है वो ना पहले कभी कम था ना ही आगे, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए, और जो लोग फ्रेशर्स हैं, जो लोग अभी रिसेंटली एमएडी या एमजीएशन कर रहे हैं, उन लोगों को हमारी क्लासेस से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो यूजीसी नेट का जो एग्जाम है, ये लेक्चरशिप की एलिजिबिलिटी के लिए एग्जाम है। योगेश जी के साथ नेटवर्क का इशू है, उन्होंने मुझे बताया था। बेसिकली हम सब लोग इसको पार्ट टाइम बेसिस पे कर रहे हैं, वी आर डूइंग इट ऑन पार्ट टाइम बेसिस, we are finding time for you. Now Yogesh ji is once again connected with us. There is some network issue. और तो उसके बाद आपको सिर्फ अपना एक synopsis prepare करके आपको अपना synopsis prepare करना है, और synopsis prepare करने के बाद आपको इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू के बाद अगर आप किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं तो उसके बाद एक फेलोशिप मिलनी शुरू हो जाती है, जिसको आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप के नाम से बोलते हैं, और यूजीसी की बहुत पुरानी स्कीम है, और इन पहले एमफिल के लिए भी मिलती थी, लेकिन अब क्योंकि करंट ट्रेंड में एमफिल को खत्म कर दिया गया है तो अब ये पीएचडी वालों को मिलती है। पहले 3 साल के लिए आपको जेआरएफ मिलेगा, उसके बाद आप इसको एसआरएफ में कन्वर्ट करा सकते हैं जैसे जैसे आप अपना प्रोजेक्ट चेंज करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर नेट और जेआरएफ, टारगेट हमारा जेआरएफ का है, और उसी के लिए हम लोग तैयारी करेंगे, और उसके दौरान नेट की तैयारी ऑटोमेटिकली हमारी हो जाएगी। अब इस तैयारी के लिए जिन बातों का आपको ध्यान रखना है वो मैं आपको बता दूं। पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आप लोगों को चाहे कुछ भी हो जाए क्लासेस में नहीं, ट्राई टू नॉट टू मिस एनी ऑफ द क्लास, क्योंकि हर क्लास के अंदर कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट चीज कराई जाएगी जिसमें से आपको टेंटेटिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और हम लोगों के पास एक
बहुत अच्छी एक्सपर्ट की टीम है और आपके विश्वास के लिए डॉक्टर योगेश इज टेलिंग यू ऑल दैट वी हैव ए स्ट्रॉन्ग टीम ऑफ एक्सपर्ट्स एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट ऑफ यूजीसी नेट कोचिंग आपके पास एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने आठ आठ बार यूजीसी नेट को क्वालिफाई किया है और मैं अपने बारे में बता दूं मेरा खुद का चार अलग अलग विषयों में नेट क्वालिफाई है तो एक बहुत ही अच्छी एक्सपर्ट्स की टीम हम लोगों ने इकट्ठी की है और सब लोग एक जील के साथ हैं एक मोटिव के साथ हैं और जो जैसा कि हमारा मोटिव है कि हम लोगों को आपको चीजें लर्न करानी है ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना है वो सब उस अपने मोटो के साथ चलते हुए हम लोग पूरी एक कोशिश हम लोगों की रहेगी कि हम लोग आपको एक अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराएं। एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो कनेक्ट बनता है वो ट्रस्ट से बनता है और ट्रस्ट डेवलप होता है जब तो कुछ चीजें हम लोग ऑब्जर्व कर लें। अब यहाँ पर हमारे पास 2500 स्टूडेंट हैं, हमारे पास आप लोगों को जानने के लिए एक ही माध्यम है वो है गूगल ग्रुप जिसमें और हम आपकी जो क्विज के जो आप आंसर्स देंगे आपके क्विज के आंसर से गूगल ग्रुप के माध्यम से आपकी जो आपने कमेंट करेंगे उन कमेंट के माध्यम से हम लोगों को पता चलेगा कि आप कितने सक्रिय हैं और कितनी सक्रियता से इस चीजों को ले रहे हैं। जितना सीरियसली आप लेंगे उतना ज्यादा अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। अब सबसे पहली चीज आपको कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करनी है जो कि मैंने अभी आपको बताया। दूसरी चीज कोशिश कीजिएगा जिन किताबों और जिन रेफरेंसेस को हमारे एक्सपर्ट्स हर लेक्चर के बाद में बताएं आप उन किताबों और उन रेफरेंसेस को नोट करें। हम लोग कोशिश करेंगे कि उन जो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं जो ओपनली है उनके भी लिंक आपको प्रोवाइड कराने का हमारा प्लान है और वो भी हम लोग साइड बाई साइड लेके चल रहे हैं। और इसके अलावा जो भी चीज आपको पढ़ाई जाएगी उसके संबंध में जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को भी हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, आप लोगों को बताएंगे कि कैसे उन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो आप लोगों को उन क्लास के अंदर बिल्कुल वैसे ना जैसे आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्लास में बैठते हैं अपना रजिस्टर लेकर पेन लेकर पूरी तैयारी के साथ। जितना आप सीरियसली क्लास अटेंड करेंगे हम लोगों को भी उतना मजा आएगा और जो आप सवाल पूछेंगे we will try our level best ki each and every query will be solved as early as possible. और अब हम आते हैं आप लोगों की बात के बाद अब हम आते हैं कि हम लोग आपको किस तरीके से सिलेबस कंटिन्यू कराएंगे। देखिए पेपर टू और पेपर थ्री पेपर टू और पेपर वन ये फर्स्ट फोर डेज में जो पेपर आपका चलेगा उन पेपर टू में सबसे पहले हम लोग आपकी बिल्कुल यूनिट वाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसको पढ़ाते समय कोशिश की जाएगी कि हर टॉपिक को उसकी ड्यू वेटेज दी जाए ताकि न सिर्फ आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार हों बल्कि जब आप क्लास में पढ़ाने जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद तभी आपके आपको कहीं किसी चीज का डर ना लगे क्योंकि आपके पास इतनी अच्छी नॉलेज होगी इतना इतना आपके पास ज्ञान होगा उस चीज के संबंध में। और ये तो सभी जानते हैं कि जितना हमारा ज्ञान बढ़ता है आत्मविश्वास उतना ही बढ़ता चला जाता है और ज्ञान को बढ़ाने के जो तरीके हैं गुरुजन के द्वारा किताबों के द्वारा और प्रैक्टिस के द्वारा चिंतन के द्वारा मनन के द्वारा इसको बढ़ाने का प्रयास किया जा सकता है। आप लोग उसको मेंटेन करके रखें। आप लोगों से एक्सपेक्टेशन भी हमारी बहुत हाई है कि आप क्लासेस को अटेंड करते हुए चीज़ों को बहुत सीरियसली लेंगे और जितना हम लोग एक उम्मीद के साथ जिस उम्मीद के साथ हम लोग ये ग्रुप को स्टार्ट कर रहे हैं उस उम्मीद पर सब लोग खड़े उतरेंगे। मैं आपको आज क्योंकि पहली क्लास है तो मैं आपको सिलेबस के बारे में हल्का सा ब्रीफ कर देता हूं और थोड़ा सा फोकस कर देता हूं कि आपको कहां कहां किन किन चीजों पर ध्यान रखना है। सर क्या मैं यहां से स्क्रीन शेयर कर सकता हूं? आप स्क्रीन शेयर कीजिए ट्राई कीजिए हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं।
मैं आपको बताता क्या हूँ सही कि हमारे पास सिलेबस शेयर करना है हम लोगों को? पेपर वन और पेपर टू दोनों में ही 10 यूनिट हैं। और एक चीज ध्यान रखिए, यूजीसी नेट का जो पेपर है अब उसका सिलेबस चेंज हो गया। अभी तक जो सिलेबस था उसमें जो फोकस था वो बहुत ही ट्रेडिशनल चीजों पर था। अभी 6-7 साल पहले भी सिलेबस चेंज हुआ था, तो उसमें पेपर थ्री सब्जेक्ट वाला पार्ट था वो हटा दिया था, सिर्फ पेपर थ्री का सब्जेक्टिव रख दिया था। अब रिसेंटली पेपर थ्री भी हटा दिया, पेपर टू भी रह गया, और पेपर टू का भी सिलेबस चेंज हो चुका है। अब जो नया सिलेबस है पेपर टू का, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस सिलेबस आप पढ़ते हैं तो न केवल आपको नॉलेज होगी बल्कि आपके जीवन में भी बहुत परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि ये इसमें हर वह चीज डालने का प्रयास किया गया है जिसकी एक असिस्टेंट प्रोफेसर को होनी चाहिए। यहाँ पर आपको रिसर्च की नॉलेज देने का प्रयास किया गया है, यहाँ पर कोशिश की गई है कि आप कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ें, कम्युनिकेशन के बेसिक एलिमेंट्स के बारे में आप पढ़ें, यहाँ पर कोशिश की गई है कि आप कॉम्प्रिहेंशन को एनालिसिस करें, लैंग्वेज का एनालिसिस आपका अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर पेपर वन का अगर हम बात करें तो पेपर वन में 10 यूनिट हमारे पास है। 10 यूनिट में से सबसे पहली जो चीज है, पहली यूनिट है आपकी सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट, टीचिंग एप्टीट्यूड। मैं इसको सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो हर यूनिट में से इक्वल क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसको सबसे इम्पोर्टेंस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस यूनिट को समझने के साथ साथ आप जीवन में भी उतारने की आवश्यकता है। क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम लोग सिर्फ पढ़कर सीख जाए, उसको हम लोग जब तक उसको समझने का प्रयास नहीं करेंगे, उसको डीपली अंडरस्टैंड करने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक वो हमारे व्यवहार में नहीं आ पाए। टीचिंग एप्टीट्यूड वाली जो यूनिट है, बेसिकली एप्टीट्यूड, यहाँ पे मैं जो एप्टीट्यूड वर्ड है उसको मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, व्हाट इज एटीट्यूड, व्हाट इज एप्टीट्यूड एंड व्हाट इज इंटरेस्ट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट। समवेयर आई हैव लिसन दैट कुछ लोग कहते हैं कि एप्टीट्यूड तो इनबॉर्न नहीं होता है, और वो तो अगर एप्टीट्यूड इनबॉर्न होता है तो फिर एप्टीट्यूड डेवलप करने के सेंटर्स क्यों खुल गए? तो ऐसे कंफ्यूजन लोगों के माइंड में है, तो मैं आपको क्लियर कर दूँ बहुत साधारण से शब्दों में। एप्टीट्यूड इज योर वोकेशनल इंटरेस्ट इन एनी सब्जेक्ट, और वह इंटरेस्ट, वह रुचि जिसको आपकी कैपेबिलिटीज सबसे ज्यादा सूट करती है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसी क्षमताएं होती हैं, ऐसी होती है जो किसी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए उसको सबसे ज्यादा सूटेबल बनाती है। तो एप्टीट्यूड की हम बात करते हैं तो एप्टीट्यूड आपकी उन्हीं क्षमताओं को व्यक्त करता है। तो जब टीचिंग एप्टीट्यूड की बात की जाती है तो टीचिंग एप्टीट्यूड में उन सभी क्षमताओं, उन सभी अभिरुचियों, उन सभी रुचियों का विकास करने का प्रयास किया जाता है जिनकी आवश्यकता एक अच्छे और कुशल। तो टीचिंग वाली यूनिट में जब आप सारे इसके टॉपिक्स देखेंगे तो उनमें आपको टीचिंग के ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताने का प्रयास किया गया है। हम लोग इसकी यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज हम लोग क्लासेस आपकी रखेंगे, और अलग अलग एक्सपर्ट्स जो इसी यूनिट में एक्सपर्ट हैं उन्हीं को हमने यूनिट पढ़ाने के लिए दी है। होपफुली यू विल एंजॉय दिस यूनिट। सेकेंड यूनिट ऑफ पेपर वन इज रिसर्च एप्टीट्यूड। देखिए अगेन इट इज ए मैटर ऑफ एप्टीट्यूड। रिसर्च, देखिए रिसर्च हमारी बहुत बेसिक चीज है। हम लोग हर कुछ ना, जब भी हमें कोई चीज नहीं मिलती है ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो जब ढूंढने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एज ए लेमैन के लिए हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन रिसर्च वास्तविक रूप से रिसर्च है क्या? क्या रिसर्च के दायरे में क्या आता है? फंडामेंटल रिसर्च किसे कहते हैं, अप्लाइड रिसर्च कैसे कहते हैं, बेसिक एक्शन रिसर्च किसे कहा जाता है, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप पढ़ेंगे। इसके अलावा रिसर्च करने के क्या प्रोसीजर होता है, क्या मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम लोग रिसर्च को परफॉर्म करते हैं, और रिसर्च के मेथड्स के साथ साथ रिसर्च के स्टेप्स कौन कौन से हैं, सारे स्टेप्स रिसर्च के हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इसी यूनिट के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो है रिसर्च इथिक्स। इथिक्स को फॉलो करने के लिए कोई आपको कहता नहीं है, इट इज योर कॉन्साइंस कॉन्शियसनेस जो आपको अंदर से बोलती कि दिस थिंग इज रॉन्ग।
अगर आप किसी को कॉपी करते हैं, प्लेगरिज्म की तरफ जाते हैं या किसी और चीजों को किसी का काम गलत तरीके से कहीं पे उसको पब्लिश करा देते हैं, तो दैट्स अ रॉन्ग प्रैक्टिस। और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बताता हूँ, इन वन ऑफ द वेरी एक्सट्रीम केस अ पर्सन इज लायबल इज हेल्ड लायबल फॉर इन द केस ऑफ प्लेगरिज्म जस्ट बिकॉज ही हैज मेड अ रिसर्च पेपर आउट ऑफ हिज थीसिस जस्ट बाय कॉपिंग इट। उन्होंने क्या किया, अपनी थीसिस में से कट कॉपी पेस्ट करके एक रिसर्च पेपर बना दिया एंड ही हैज हेल्ड फॉर लायबल फॉर प्लेगरिज्म, उन्हें प्लेगरिज्म के लिए लायबल ठहराया गया और उसके लिए उनके ऊपर कार्यवाही भी की गई, हालांकि उनका ही अपना ही काम था पहले वाला भी, लेकिन दूसरा काम उन्होंने अपने काम की ही कॉपी की थी। तो ये आपकी जो इथिक्स क्या कहते हैं, रिसर्च के इथिक्स में आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, बहुत बारीकी है जिससे आपको आपका काम बहुत ईमानदारी का हो और इथिकल हो, उस ग्राउंड और इथिकल ग्राउंड्स को डेवलप करने के लिए वी नीड टू हैव नॉलेज ऑफ रिसर्च इथिक्स। तो रिसर्च इथिक्स के बारे में, टाइप ऑफ रिसर्च के बारे में, हाउ टू राइट बाय बिब्लियोग्राफी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेज, तो इस तरह के रेफरेंसेज और बिब्लियोग्राफी लिखने के देयर नंबर ऑफ स्टाइल्स, सो व्हाट आर दोज स्टाइल्स, व्हाट आर द फॉर्मेट्स ऑफ राइटिंग दोज रेफरेंसेज एंड बिब्लियोग्राफी, ऑल दीज विल बी कवर्ड अंडर दिस टॉपिक। अब जो रिसर्च का टॉपिक है, यही रिसर्च इसी टॉपिक से मिलती जुलता टॉपिक एक आपका पेपर टू में भी है। तो पेपर टू में जो आपको रिसर्च पढ़ाई जाएगी वो थोड़ी एक्सटेंसिव है, ठीक है, वो इनडेप्थ रिसर्च है। और यहाँ पे जो आपको रिसर्च पढ़ाई जाएगी इसमें हम लोग ओवरव्यू लेते हैं रिसर्च का पेपर वन के अंदर, कि व्हाट इज रिसर्च बेसिकली, ताकि हमारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बन जाए कि रिसर्च है क्या। तो यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर और रिसर्च का एक फ्रेमवर्क बनाने के ऊपर फोकस रहेगा, और जबकि पेपर टू में जब हम रिसर्च पढ़ेंगे तो उसकी बारीकियों को समझने का प्रयास करेंगे। तो पेपर टू के रिसर्च में मैंने ज्यादा क्लासेस लगाई है एज कम्पेयर टू पेपर वन के रिसर्च में, क्योंकि पेपर वन का जो रिसर्च है वो इससे काइंड ऑफ सुपरफिशियल टाइप। यहाँ पर पेपर वन के अगर आप क्वेश्चन भी देखेंगे तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च देर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवीनिंग वेरिएबल, तो इंटरवीनिंग वेरिएबल का कॉन्सेप्ट या मध्यवर्ती चरों का की अवधारणा कौन से अनुसंधान के प्रकार से संबंधित है। तो इस तरह के सवाल बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आप देखेंगे रिसर्च के पेपर वन में आते हैं, लेकिन पेपर टू में जो रिसर्च का क्वेश्चन आएगा वो काफी घुमा के आता है और काफी उसके लिए इनडेप्थ नॉलेज की आवश्यकता है। तो रिसर्च आप दोनों दो जगह पढ़ेंगे, लेकिन मैं चाहता तो दोनों एक जगह भी मिक्स कर सकता था, लेकिन मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड की क्लासेस को अलग रखा है और रिसर्च मेथोडोलॉजी की क्लासेस को अलग रखा है जो कि पेपर टू का पार्ट है। तो इस ताकि हम लोग पेपर वन की तैयारी बिल्कुल सेपरेट हमारी चलती रहे और पेपर टू की तैयारी हमारी बिल्कुल सेपरेट चलती रहे। इसके बाद पेपर यूनिट थ्री का सबसे स्कोरिंग पोर्शन है आपका कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन को हम लोग बहुत लाइटली लेते हैं, हम लोग सोच के चलते हैं ये तो हमसे हो ही जाएगा, लेकिन इट इज द पार्ट जिसपे हमें सबसे ज्यादा स्किल की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग पार्ट होता है, लेकिन ये सबसे स्कोरिंग पार्ट इसलिए होता है क्योंकि अगर आप थोड़ा सा इसको ट्रिक से कर लें तो ये इसमें पूरे फुल मार्क्स, अगर आपके 5 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन से हैं तो आई कैन अश्योर यू कि थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो 5 के 5 क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट यूनिट थर्ड आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन आता है और उसी कॉम्प्रिहेंशन से सवाल पूछे जाते हैं आपको। इसके बाद यूनिट 4 है आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की जो यूनिट है ये यूनिट आपको पेपर 2 में भी स्लाइटली हेल्प करेगी, क्योंकि आईसीटी में एक टॉपिक है कम्युनिकेशन। तो जब हम कम्युनिकेशन को यहाँ पढ़ते हैं तो ये इसका और आईसीटी में जो कम्युनिकेशन पढ़ेंगे उसका भी रिलेशन, ये ऑटोमेटिकली हम लोगों को ओरिएंट करता है कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में, व्हाट आर द न्यू टेक्नोलॉजीज ऑफ कम्युनिकेशन अवेलेबल टू अस, तो और कम्युनिकेशन के डिफरेंट मीडियम्स के बारे में इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पर मास मीडिया, सोसाइटी और काफ़ी सारी चीज़ों को पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन अगेन आई एम सेइंग कि पेपर वन में जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हम हर टीचर को पहले से हम लोगों ने ओरिएंट किया है कि जब आप पेपर वन को पढ़ा रहे हैं तो देयर शुड बी अ
वी शुड कीप इन माइंड द नेचर ऑफ पेपर वन, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यूजीसी नेट देयर, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, उसका हमें ध्यान रखना है, और कितने डिफिकल्टी लेवल है उसका हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा किस तरीके से क्वेश्चंस को मोल्ड किया जा सकता है, जनरली पेपर वन में बहुत ज्यादा मोल्ड क्वेश्चन नहीं होता, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है, लेकिन स्टिल देर आर समथिंग सम माइन्यूट थिंग्स विच वी ऑल हैव टू कीप इन माइंड। तो जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स होंगे वो आपको वन बाय वन पढ़ाएंगे। फर्स्ट यूनिट हम लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में बताया, सेकेंड यूनिट हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड की थी, थर्ड यूनिट हमारी कॉम्प्रिहेंशन की थी, फोर्थ यूनिट हमारी अभी हमने बताया कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन के बाद फिफ्थ यूनिट हमारी है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, अगेन इट इज अ मैटर ऑफ एप्टीट्यूड, यहाँ भी आपका एप्टीट्यूड चेक करने का प्रयास किया जाएगा। और यहाँ पर दो तरह की जनरली आपको रीजनिंग हमारे सिलेबस में यूनिट फाइव और यूनिट सिक्स, यूनिट फाइव में आपके अरिथमेटिकल और मैथमेटिकल रीजनिंग है, और यूनिट सिक्स में लॉजिकल रीजनिंग। अरिथमेटिक और लॉजिकल रीजनिंग के लिए हमारे पास जो एक्सपर्ट्स हैं दे आर वन ऑफ द बेस्ट एक्सपर्ट्स इन द फील्ड, और उन्होंने कहकर हमसे क्लासेस ऑर्गेनाइज करवाई कि सर दैट वी आर डूइंग मैनी वर्क इन दिस फील्ड, सो प्लीज गिव मी क्लासेस ऑफ दिस यूनिट। सो देखिए इतने सारे एक्सपर्ट्स और वो सब के सब यही उनका सबका एक मोटिव है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट पहुंचाया जाए, और ये एक ऐसी यूनिट है जो आपको हेल्प करेगी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, क्योंकि अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आप देखेंगे साइलोजिज्म के क्वेश्चंस हैं, सिंपल लॉजिकल अदर लॉजिकल रीजनिंग्स हैं, अरिथमेटिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। तो जो सिंपल जो बी और सी ग्रेड के जो एग्जाम्स हैं जिनमें जो लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिकल रीजनिंग पूछी जाती है वो जनरली हमारी इस रीजनिंग से कवर अप हो जाएगी। तो आप इस यूनिट को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद हमारी जो यूनिट सेवन है डाटा इंटरप्रिटेशन यूनिट, वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग यूनिट। डाटा इंटरप्रिटेशन में देयर आर फोर थिंग्स, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिविजन, और इनका यूज करते हुए रेशियो एनालिसिस, और रेशियो एनालिसिस के साथ ही परसेंटेज एनालिसिस। नथिंग इज न्यू इन दिस यूनिट, जमा घटा गुणा भाग के अलावा आपको रेशियो जो कि डिवीजन के बेसिस पे बनता है, परसेंटेज अगेन ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये अगर आपको कैलकुलेट करना आता है, इनकी ट्रिक्स अगर आपको आती है, लार्ज नंबर की परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, लार्ज नंबर्स को डिवीजन कैसे करेंगे, तो इस यूनिट के अंदर आप फुल मार्क्स फैच कर सकते हैं, सबसे ज्यादा स्कोरिंग यूनिट। लेकिन बच्चे मैथमेटिक्स से इतना डरते हैं कई बार कि उन्हें लगता है कि ये तो हम कभी कर ही नहीं सकते, तो आपको मैं बता दूं कि इसमें बहुत मैथमेटिक्स नहीं है, सिर्फ जमा घटा गुणा भाग ही है बस। आपको उसमें थोड़ा सा हम लोग ट्रिक्स बताएंगे, और जब कोई ग्राफ एनालिसिस किया जाता है तो किस तरीके से किया जाता है, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन को समझना इस यूनिट में सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि क्वेश्चन को अगर आप समझ लेते हैं तो उसके बाद आपको प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिविजन इसी की हेल्प से ही आपको डाटा इंटरप्रिटेशन करना। उसके बाद यूनिट एट आईसीटी की यूनिट है, और आपको पेपर टू में भी आईसीटी का पार्ट मिलेगा और पेपर वन में भी आईसीटी की यूनिट है। अब दोनों में जो डिफरेंस है, यहाँ पेपर वन में आईसीटी की यूनिट के ऊपर जनरली नए इनिशिएटिव्स के ऊपर फोकस होता है, फॉर एग्जांपल अभी आपसे पूछ लिया जाए मूक्स के बारे में, स्वयं के बारे में, व्हाट आर द डिजिटल इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाउ इट इज, फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, दीक्षा की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, मूक की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो इसके अलावा कुछ और जो नए डिजिटल इनिशिएटिव्स आए हैं उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो कुछ नए चैनल्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं, कुछ नए सैटेलाइट्स के नाम हैं इसमें जो इससे जोड़े गए हैं, तो जो भी नया टेक्नोलॉजी के फील्ड में आ रहा है एंड दैट कैन बी यूजफुल फॉर एजुकेशन, उसको ब्लेंड करते हुए इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब हम आईसीईटी पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, तो पेपर टू में पढ़ेंगे, और यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी,
यानी कि यहाँ पर हम लोग बेसिकली टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और इन दोनों के लिए जिस टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है उसके बारे में पढ़ने का प्रयास इसमें किया जाएगा। एंड आफ्टर यूनिट 8 देर इज यूनिट 9 ऑफ पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट एंड यूनिट 10 ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम। पीपल और एनवायरमेंट, पीपल एनवायरमेंट वाली यूनिट 9 आपकी है। इसमें आप देखेंगे जो क्वेश्चंस आएंगे आपके डे टू डे लाइफ से सवाल पूछे जाता है। फॉर एग्जांपल आपका वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, ओजोन डे, अर्थ डे, आपको एक क्वेश्चन इनमें से आ जाता है। एक क्वेश्चन अगर कोई रिसेंटली कोई अभी कोई तूफान आया है या कहीं पे कोई अर्थक्वेक आया या फिर कोई कोई नेचुरल हैवक आया या कोई कोई भी नेचुरल इंसिडेंट दैट रिसेंटली टुक प्लेस, उसके बारे में कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर सिलेबस को पढ़ते पढ़ते हम लोगों को हल्का करंट अफेयर का भी फोकस कराया जाएगा। एक्सक्यूज मी। और जो जिन टीचर्स ने यूनिट 9 लेने का आपको जो जो टीचर्स यूनिट 9 लेंगे दे आर पर्टिकुलरली स्पेशलाइज इन दैट पर्टिकुलर यूनिट। सो वी आर हैविंग अ वेरी गुड टीम। और पेपर वन के और इसके बाद हायर एजुकेशन सिस्टम है। हायर एजुकेशन सिस्टम में आपके जितने भी हायर एजुकेशन से रिलेटेड जितनी बॉडीज हैं, हायर एजुकेशन में कैसे डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कैसे और हायर एजुकेशन की हिस्ट्री क्या है, क्या क्या चीज़ें हायर एजुकेशन में, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नए इनिशिएटिव्स हैं, तो ये हायर एजुकेशन का एक क्रक एक ओवरऑल फ्रेमवर्क बनाने का प्रयास किया जाता है यूनिट 10 के अंदर। और जो भी आपको टॉपिक्स यहाँ कराए जाएंगे इसमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिनमें आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी, तो वहां पे आपको ट्रिक्स बताई जाएंगी, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके सिखाए जाएंगे, जैसे कि अरिथमेटिकल और लॉजिकल रीजनिंग की बात है, डेटा इंटरप्रिटेशन की बात है। तो वहां पर आपके कमेंट्स के माध्यम से हम लोग कमेंट्स को पढ़कर आपके जवाब देते हुए कोशिश करेंगे एक इंटरेक्टिव काइंड ऑफ सेशन जहां तक पॉसिबल है वो कराने का प्रयास किया जाए। उसके बाद फिर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी ताकि आप उसके ऊपर एक अपनी मास्टरी हासिल कर लें। और जब बात आती है जैसे हायर एजुकेशन सिस्टम की बात आएगी या फिर कम्युनिकेशन की बात आएगी तो यहाँ पर हम लोग आपको मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे और जिस मटेरियल को पढ़कर आप इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और वी आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस यूनिट वाइज। यूजीसी नेट में अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका यूनिट वाइज सेग्रीगेशन भी हम लोगों ने तैयार किया है और वी विल प्रोवाइड दैट ऑल्सो टू यू पीपल। तो यूनिट 1 को तैयार करते समय जो फोकस हमारा रहेगा वो रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, और यूनिट 1 की तैयारी को यूनिट 2 की तैयारी को मिक्स मत कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आप इनको अलग अलग तरीके से तैयार करें क्योंकि दोनों का जो फोकस है वो अलग 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 आपको एक्सपर्ट्स मिलेंगे, आप उनको तैयार करें। और आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आप उसको बहुत अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जब पेपर 2 की हम बात करते हैं, अगेन पेपर 2 इज ऑल्सो डिवाइडेड इन 10 यूनिट्स। पेपर 2 सब्जेक्टिव पेपर यानी आपके सब्जेक्ट का पेपर है, तो इसलिए ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इसके अंदर आपसे कितनी भी डिफिकल्टी लेवल का सवाल पूछा जा सकता है एंड यू शुड नो इट बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम ए असिस्टेंट प्रोफेसर। और एक आप प्रोफेसर शब्द जब आपके नाम के साथ जुड़ने वाला है तो उसके लिए आपको एक मिनिमम लेवल ऑफ नॉलेज एंश्योर करने के लिए इसका सिलेबस चेंज किया गया। और अगर आप लास्ट 2 ईयर्स के पेपर देखें तो दे आर वंडरफुल पेपर्स, मीन्स डिफिकल्टी लेवल वाइज देख लीजिए आप, यूनिट वाइज देख लीजिए, वेरी वेल बैलेंस्ड पेपर्स लास्ट 2 ईयर्स के आ रहे हैं। और आई एम एंटिसिपेटिंग कि आगे भी जो क्वेश्चंस आएंगे वो इतने ही बैलेंस्ड लेवल के, हर यूनिट को ध्यान में रखते हुए। पहले क्या होता था कि कोई आइडिया ही नहीं लगता था कि किस यूनिट में से कितने सवाल आ रहे हैं। मैक्सिमम लोग सिर्फ 3 यूनिट पढ़ के जाते थे, साइकोलॉजी, रिसर्च, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स एंड फिलोसफी, और वो पास हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ईच यूनिट इज कैरिंग इक्वल इम्पोर्टेंस और हर यूनिट की तैयारी आपको करनी बहुत जरूरी है। कोई यूनिट को आप इग्नोर नहीं कर सकते अगर आपको JRF तक पहुंचना है, तो इसलिए आपको कोशिश करनी है कि कंटिन्यूटी मेंटेन करें। 10 यूनिट इसमें है जिसमें से सबसे पहली यूनिट की अगर हम बात करें तो सबसे पहली यूनिट जो है आपकी फिलॉसफी और सोशियोलॉजी का एक हिस्सा बस आपके इसके अंदर ये। और जब हम फिलॉसफी की बात करते हैं तो प्योर फिलॉसफी यहाँ पर नहीं है,
यहाँ हम एजुकेशनल फिलोसफी है, मीन्स जितना भी अगर हम दर्शन और फिलोसफी की हिंदी देखेंगे तो आपको दर्शन मिलेगी, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग अगर हम कहें तो देर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ दर्शन एंड देर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी इज अ वर्ड विच इज अ वेस्टर्न वर्ड, तो और विच इज यूज टू इंटरप्रेट वेरियस स्कूल्स ऑफ थॉट ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज लाइक आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, मार्क्सिज्म, दीज ऑल आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिलोसफीज। लेकिन जब दर्शन की बात करते हैं, दर्शन जो शब्द है वो भारतीय सभ्यता का शब्द है, एक एक इंडियनाइज्ड कल्चर का शब्द है। तो यहाँ पर जो दर्शन शब्द है, दर्शन आप दर्शन में या फिलोसफी में भी डिफरेंस है, इज अ स्लाइट डिफरेंस इन दर्शन फिलोसफी। आप देखिए फिलोसफी जो इवॉल्व हुई है वो उस जब उस एज के उस कल्चर के लोगों के जो एनवायरनमेंट था उस एनवायरनमेंट में किस चीज की इंपॉर्टेंस थी, किस चीज की जरूरत थी, उसी को ध्यान में रखकर वहां की फिलोसफी डेवलप हुई है। आइडियलिज्म की बात करें, एक अगर हम आइडियलिज्म की बात करते हैं तो आइडियलिज्म के डेवलप होने के टाइम के आप एक उस टाइम के माहौल को देखिए, वहां पर देयर वाज अ नीड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, देयर वाज अ नीड ऑफ रिलीजन, देयर वाज अ नीड ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ टीचर। तो वहां पर जो फिलॉसफी एक ऐसी इवॉल्व हुई जो आइडियल आइडियल्स के ऊपर डेवलप थी, माइंड के ऊपर डेवलप थी, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर डेवलप थी। उसके बाद नेचुरलिज्म की बात करें, अगेन अ फिलॉसफी विच इवॉल्व अराउंड द नेचर। आप रियलिज्म की बात करें, रियलिज्म उस दौरान डेवलप हुआ है जिस दौरान इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था। प्रैग्मेटिस्ट की बात करें तो प्रैग्मेटिस्ट अगेन डिफरेंट काइंड ऑफ फिलॉसफी विच इज बिल्ट अराउंड अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस। तो जो फिलोसफीज हैं, फिलोसफी जो शब्द है ये बेसिकली वेस्टर्न फिलोसफी को ही डेवलप करता है। लेकिन जब दर्शन की बात करते हैं, चाहे वो कोई चाहे वह दर्शन हो वेदांत हो, चाहे वो सांख्य हो, चाहे वो बुद्धिज्म हो, चाहे वो जैनिज्म हो, सबका एक ही एम है मोक्ष की प्राप्ति। और मोक्ष को अलग अलग शब्दों से जरूर माना गया है लेकिन एम सबका लगभग एक। तो इंडियन फिलोसफी और वेस्टर्न फिलोसफी में जो डिफरेंस हम लोग पढ़ेंगे वो इसी को ध्यान में रखते हुए चीजें पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा आप लोगों को कि कैसे इंडियन फिलोसफी अलग अलग, इंडियन फिलोसफी में जो शब्द है वो विद्या है। इंडियन फिलोसफी डजंट टॉक अबाउट दर्शन, शिक्षा के बारे में नहीं, दर्शन विद्या के बारे में बात करें। तो दर्शन को विद्या के कंटेक्स्ट में ही हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे और भारतीय दर्शन में किन किन चीजों भारतीय दर्शन में कौन कौन से दर्शन हुए हैं, सांख्य, वेदांत और बुद्धिज्म, जैनिज्म और इस्लाम, इसके अलावा इस्लाम और अब एक नई चीज और इसमें ऐड कर दी गई, दयाशंकर दर्शन। तो इन सब के माध्यम से विद्या का क्या रूप माना गया है, इन सब के माध्यम से शिक्षा के क्या उद्देश्य माने गए हैं, कैसे शिक्षा के मेथड्स ऑफ टीचिंग होने चाहिए, किस तरीके से शिक्षा दी जानी चाहिए, कैसे पाठ्यक्रम होना चाहिए, करिकुलम कैसे डेवलप होना चाहिए, बेस्ड अपॉन दिस। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके लिए पर्टिकुलर एक सेपरेट क्लास मैंने हर स्कूल ऑफ थॉट को दी है और कोशिश की है कि आपको पूरे तरीके से और इन डेप्थ तरीके से हम लोग डिफरेंट फिलोसफी को समझें। और यकीन मानना फिलोसफी को अच्छे से समझेंगे तो आप लोग अपने अंदर भी चेंज को फील करेंगे। थोड़ा सा आपको शुरुआत में हो सकता है लगे कि बहुत ज्यादा थियोरेटिकल है, बट एक बार आप बहुत मन से फिलोसफी को पढ़ के देखिएगा, आप फिलोसफी के फैन हो जाएंगे। यकीन मानिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आपको अंदर तक झिझोड़ देता है। जब आपको पता चलेगा कि समवन इज सेइंग दिस एंड समवन इज सेइंग दिस, बट कोर में अल्टीमेटली एक ही चीज है। तो किस तरीके से हम लोग किसको माने, टोटली ये आपका अपना आइडिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फिलोसफी के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद इंडियन फिलोसफी के बाद वेस्टर्न फिलोसफी के बारे में पढ़ेंगे। वेस्टर्न फिलोसफी में हम लोग आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म, रियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, मार्क्सिज्म, और इनको भी अगेन फोकस किया जाएगा रियलिटी नॉलेज वैल्यू के साथ, यानी कि आपके एम ऑफ एजुकेशन, मेथड ऑफ टीचिंग और करिकुलम के साथ। इसके बाद फिर हम यूनिट वन में ही हम लोग
सोशियोलॉजी के कुछ और टॉपिक्स हैं जो कि नए सिलेबस में आए हैं, पहले सिलेबस में बिल्कुल नहीं थे, पुरानी किताबों में आपको नहीं मिलेंगे। इसके लिए हम लोग कोर सोशियोलॉजी से रिलेट टॉपिक्स लेकर उनको एजुकेशन से रिलेट करने का प्रयास किया गया है और उन टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और आपको वन बाय वन उनके बारे में ओरिएंट किया जाएगा। तो यूनिट वन ब्रॉडली अगर कहा जाए तो ये दर्शन, फिलॉसफी और समाज शास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी से संबंध में है। इसके अलावा इसी यूनिट में के लास्ट पार्ट में हम लोग कुछ थिंकर्स के बारे में ही पढ़ेंगे। और पहले जो सिलेबस था उसमें केवल हम लोग चार थिंकर्स के बारे में पढ़ते थे, विवेकानंद जी के बारे में, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में, गांधी जी के बारे में और अरविंद घोष के बारे में। लेकिन अब आपको ऐसे ऐसे थिंकर, एक ब्राजीलियन थिंकर का मैं नाम लेना चाहूंगा, पॉलो फ्रायरे जो है, ही वॉज ए ग्रेट फिलोसोफर और उनको हर व्यक्ति को उनको पढ़ना चाहिए। ही सेड कि अगर कोई व्यक्ति भूखा है, कोई व्यक्ति अगर गरीब है, उसका पेट ही नहीं भरा, तो वो कैसे पढ़ेगा। और ही हिमसेल्फ ब्लेम अबाउट उन्होंने अब वो उन्होंने कहा कि अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इसके पीछे मेरा कमजोर दिमाग नहीं है, इसके पीछे मेरा भूखा पेट है। तो ऑब्सेशन की जो फिलोसफी है, ही हैज इंट्रोड्यूस्ड द वर्ल्ड विद दैट काइंड ऑफ फिलोसफी ऑल्सो। तो ये नया नई चीज है जो हम लोगों ने पहले नहीं पढ़ी है और बहुत जगह और बीएड और एमएड के सिलेबस में भी नहीं पढ़ाई जाती है। तो इसलिए आप लोगों को यही इसी माध्यम से इन सब चीजों के बारे में पता चलेगा। और मैंने जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे जो यूजीसी नेट की क्लासेस होंगी, वहां से केवल आपका नेट ही क्वालिफाई नहीं होगा, आपको जो नॉलेज मिलेगी उस नॉलेज से आपकी एनरिचमेंट इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप ऑटोमेटिकली अपने अंदर चेंजेस फील करना शुरू कर देंगे। द ओनली थिंग वी रिक्वायर फ्रॉम यू पीपल इज द कॉन्टिन्यूटी। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन बिकॉज कॉन्टिन्यूटी इज द की टू सक्सेस। सो आफ्टर यूनिट वन देन देयर इज अ यूनिट टू विच इज रिलेटेड विद हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। सो हाउ what are the basic incidents of history of education, what are the just a minute, sorry to disturbance, there was a very important call. Yes, so we are talking about unit 2 which is related to history, politics and economics of education. So is unit mein basic major incidents of education ki baat ki jayegi. Iske alawa what are various political decisions, what are various constitutional provisions related to education, and what are the different various options of finances available to education. कहाँ से education को, education का budget कैसे बनता है, किस तरीके से education से की cost and benefit analysis की जाती है. These are the top very new topics. In this topic, जो curriculum framers हैं, they have tried to blend different subjects with the concept of education. They have tried to blend history with education. They have tried to blend politics with education. They have tried to blend economics with education. So economics, politics और history को education के साथ blend करते हुए और उनका education के context में एक उनका एक area निकालते हुए इसमें units बनाने का प्रयास किया गया है. Very interesting unit और incidents के ऊपर focus रहेगा और focus आपका रहेगा बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर, ऐसे कॉन्सेप्ट जो पहले कभी नहीं पूछे गए. जो जो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आप बी एड एम एड में नहीं पढ़ते, तो उसके लिए फिर आपके पास एक ही सहारा रह जाता है कि या तो आप
यूट्यूब पर कहीं से पढ़े या फिर कहीं से रेफरेंसेस बुक्स लेके पढ़े, तो उस स्थिति में होता है कि अगर आपको बहुत अच्छा मटेरियल नहीं मिल पाया तो आप टॉपिक को छोड़ देते हैं। तो वहां पर ऐसे यहाँ पर आपके साथ ऐसी स्थिति नहीं होगी। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको आपके पास मटेरियल भी पहुंचे, आपके पास लेक्चर भी पहुंचे, और आपका आपका उसका एक छोटा सा इवेल्यूशन भी हो, जाके ताकि आप सेल्फ अप्रेजल आप खुद कर सके कि हमें कितना समझ में आए। तो आफ्टर यूनिट टू देर इज ए वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी यूजफुल यूनिट ऑफ यूनिट थ्री, लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस। एज अ नेम सजेस्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजी, और इसके अंदर वही साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स हैं कि विच आर रिलेटेड टू ग्रोथ एंड अप्रोच, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंटेलिजेंस एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग, एंड अलॉन्ग विद दिस गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जो कि पहले एक अलग स्पेशल यूनिट हुआ करती थी, अब इसमें इसका एक पार्ट जोड़ दिया गया है। तो इसमें मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। बहुत ही बारीकियां होती हैं जो पूछी जाएंगी आपसे। बहुत एक सवाल पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, अच्छा एक सवाल बहुत बार पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑपरेंट इन ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। जनरली वी डोंट बॉदर अबाउट दीज काइंड ऑफ थिंग्स, लेकिन सवाल आया हुआ है और ये पूछा जाता है कि ऑपरेंट शब्द से आप क्या समझते हैं, और हिंदी में भी इसको ऑपरेंट ही लिखा गया है। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं आप सबको बताना चाहूंगा, कोशिश किया कीजिएगा कि जितनी भी टॉपिक्स यहाँ पढ़ाए जाएं आपको, सबकी हेडिंग्स आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखें। इंग्लिश में ज़रूर याद रखें, क्योंकि मैक्सिमम लर्निंग की जो थ्योरीज हैं दे आर गिवन इन इधर इन फ्रेंच और इन इंग्लिश, और जो फ्रेंच और इंग्लिश में उनका जो थ्योरीज दी गई है, हिंदी में उसका सिर्फ अनुवाद किया गया है। तो जिन्होंने अनुवाद किया है तो अनुवाद करते समय कई सारी चीज़ें उसमें से मिस हो गई। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉन्सेप्ट है पुनर्बलन, इंग्लिश में एक ही नाम है उसका रीइन्फोर्समेंट। हिंदी में आप देखेंगे किसी किताब में लिखा है मिलेगा आपको प्रबलन, किसी किताब में मिलेगा पुनर्बलन, किसी किताब में मिलेगा पुरस्कार, उसके कई सारे नाम आपको मिल जाएंगे, लेकिन इंग्लिश में आपको एक ही नाम मिलेगा रीइन्फोर्समेंट। तो ऐसी इंग्लिश में अगर आप खास करके साइकोलॉजी के कोई कॉन्सेप्ट हैं अगर उनको अगर आप इंग्लिश में समझने का प्रयास करेंगे तो आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा। सिर्फ हेडिंग्स इंग्लिश में समझ के रखिएगा, क्योंकि हिंदी में आपको अलग अलग नाम पूछे जा सकते हैं, इंग्लिश में एक ही नाम होगा। तो मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूँ। आपसे सवाल पूछा गया था कि ऑपरेंट किसे कहते हैं, तो एक ऑपरेंट जो शब्द है, एक्सक्यूज मी, ऑपरेंट जो शब्द है मैं आपको बताता हूँ। ऑपरेंट बी एफ स्किनर की जो थ्योरी ऑपरेंट कंडीशनिंग है, उन्होंने ऑपरेंट शब्द का यूज किया है, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत इसको हिंदी में कहा जाता है। अब ऑपरेंट शब्द को समझाने के लिए एक टर्म है स्टिमुलस, वो आपको समझने की जरूरत पड़ती है। स्किनर ने बताया कि स्किनर पावलोव के एक्सपेरिमेंट्स को भी जानते थे, उन्होंने कहा कि दो तरह के बिहेवियर होते हैं जनरली, देयर आर बिहेवियर विद नोन स्टिमुलाई एंड देयर आर बिहेवियर विद अननोन स्टिमुलाई। तो जो पावलोव का जो कॉन्सेप्ट है, जिसको हम क्लासिकल कंडीशनिंग बोलते हैं, वहां पर जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया वो नोन स्टिमुलाई का किया गया है, यानी कि वहां सलाइवा और सलाइवा के बाद रेस्पॉन्स। तो आपको पता था कि सॉरी फूड और फूड के बाद सलाइवा, वहां पे आप सबको पता कि फूड दिखाया जाएगा तो डॉग को सलाइवा आएगा ही आएगा, यानी कि सलाइवा का जो स्टिमुलस है वो फूड है और फूड इज अ नॉन स्टिमुलस। तो पावलोव का जो पूरा सिद्धांत है, इट इज बेस्ड अपॉन नॉन स्टिमुलस एंड नॉन रिस्पॉन्स, ज्ञात उद्दीपक और ज्ञात अनुक्रिया, पूरा पावलोव का सिद्धांत इस पर आधारित है। और इस अनुक्रिया या इस व्यवहार को नाम दिया गया रिस्पॉन्डेंट बिहेवियर। स्किनर हैज रेज द क्वेश्चन, व्हाट विल बी द बिहेवियर व्हेन देयर इज व्हेन वी डू नॉट नो द रीजन ऑफ द स्टिमुलस। यदि आपको किसी भी स्टिमुलस, किसी भी बिहेवियर का स्टिमुलस ही नहीं पता, और उस बिहेवियर को आपको रिपीट कराना है, तो कैसे कराएंगे? तो दे आर टू टाइप्स ऑफ बिहेवियर, वन इज वन विद नोन स्टिमुलस एंड अनदर विद अननोन स्टिमुलस। तो नोन स्टिमुलस के साथ जो बिहेवियर है उसे तो रिस्पॉन्डेंट बिहेवियर कहा गया, और इस बिहेवियर को यूज कर लिया पावलोव ने अपनी थ्योरी में। तो ऐसे बिहेवियर जिनका स्टिमुलस नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल मेरी क्लास में अचानक से एक बच्चा मुझसे खड़ा होकर सवाल पूछने लगता है और मुझे उसका ये बिहेवियर बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे रिस्पॉन्स, मुझे स्टिमुलस नहीं पता वो कौन सा ऐसा स्टिमुलस है जिसकी वजह से उस बच्चे ने सवाल पूछा है। तो हाउ कैन आई रिपीट दैट बिहेवियर?
मेरे पास तो कोई स्टिमुलस नहीं है। तो स्किनर है गिवन द सॉल्यूशन, पहले बात उन्होंने बताया कि इस तरह का व्यवहार जिसका स्टिमुलस आपको नहीं पता, द बिहेवियर विद अननोन स्टिमुलाई इज नोन एज ऑपरेंट बिहेवियर, द बिहेवियर विद अननोन स्टिमुलाई इज नोन एज ऑपरेंट बिहेवियर। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही बारीकियां रखते हैं, बारीकी से पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको बारीकी समझनी होगी और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इतनी बारीकियां आप सबको दिखाएं। और ये मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 15 ईयर्स ऑफ टीचिंग बी एड एंड एम एड स्टूडेंट्स, और उस 15 ईयर्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है और अपनी क्वेरीज मुझसे पूछी हैं, मैंने उनको तैयारी भी कराई है। इस वजह से हम लोग और मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सबके पास मेरे बराबर या मुझसे ज्यादा ही एक्सपीरियंस है। तो आप लोग उन सब चीज़ों को ध्यान से पढ़ें, क्वान्टिटी मेंटेन करें। यूनिट 3 के बाद यूनिट 4 हमारी टीचर एजुकेशन की है, जिसमें हम लोग टीचर एजुकेशन के कॉन्सेप्ट से लेकर अपेक्स यूनिट ऑफ टीचर एजुकेशन दैट इज NCT एंड असिस्टेंस यूनिट ऑफ टीचर एजुकेशन NCERT CBSE इन सब के बारे में पढ़ने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा वेरियस प्रोग्राम्स विच आर एसोसिएटेड विद स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन लाइक रमसा रूसा बट आर डिफरेंट वेरियस यूनिट्स इंस्टीट्यूशंस लाइक NCT UGC और अब तो और भी नई यूनिट्स नई हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनने वाले हैं। तो इन सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बारे में और टीचर एजुकेशन से रिलेटेड एजेंसीज के बारे में इस यूनिट में आपको ओरिएंट करने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद यूनिट 5 एक बहुत अंडर रेटेड यूनिट है बट इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, इट इज अ करिकुलर स्टडीज। इस यूनिट में करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम का प्रोसेस, अप्रोचेस ऑफ करिकुलम, इसके बारे में आपको ओरिएंट करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा कौन कौन सी एजेंसीज हैं विच आर एसोसिएटेड विद दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम लाइक UGC NCT एंड डिफरेंट यूनिट्स एजेंसीज, उन सब के बारे में उनका क्या रोल रहता है करिकुलम डेवलप करने में, व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ करिकुलम, व्हाट आर द वेरियस थ्योरीज, व्हाट आर वेरियस मॉडल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। और ये अगेन एक ऐसी यूनिट है जिसमें जो आपको मॉडल्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं UGC नेट के अंदर, वो आपको बीएड एमएड में बहुत कम पढ़ने में आते हैं। बहुत कम जगह है जहाँ की सिलेबस में इन सबको पढ़ाया जाता है, मैक्सिमम जगह पे ये नहीं पढ़ाया जाता, तो इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इनकी क्लासेस अटेंड करना और इसका मटेरियल मिलना बड़ा मुश्किल होता है। वी हैव ट्राइड अवर लेवल बेस्ट कि आपको मैक्सिमम मटेरियल मिले, तो इसलिए आप जुड़े रहेंगे, लगातार चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको सफलता 100% मिलेगी। इसके बाद यूनिट 6 आपकी रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स की है, पहले अलग अलग यूनिट हुआ करती थी, इसको मर्ज करके रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स में जोड़ दिया है। थोड़ी सी बड़ी यूनिट है, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ये यूनिट आपको आगे PhD में भी हेल्प करेगी, सिनॉप्सिस प्रिपरेशन में हेल्प करेगी, एनालिसिस में हेल्प करेगी। तो इस यूनिट को बहुत ध्यान से बहुत फोकस के साथ पढ़ें। आई हैव लॉट टू से अबाउट दिस यूनिट बिकॉज इट्स माई वन ऑफ माई फेवरेट यूनिट, और इसके अलावा और सबसे लेंदी यूनिट भी है ये। तो इसको हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा सा ज्यादा लेक्चर लेकर इस यूनिट को गहराई से पढ़ाने का प्रयास किया जाए। इसके अलावा यूनिट 7 कम्प्लीटली न्यू यूनिट इन विच वी हैव इंट्रोड्यूस द UGC हैव इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ पेडागॉजी, एंड्रोगॉजी एंड असेसमेंट। पेडागॉजी हम सब ने पढ़ा है, एंड्रोगॉजी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, तो वी आर गोइंग टू इलेबोरेट दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट इन दिस यूनिट। एंड अगेन यूनिट 8 टेक्नोलॉजी इन एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन। तो जब ये यूनिट आपको पढ़ाई जाएगी तो आपको डिफरेंस भी क्लियर कराया जाएगा और इसके बारे में आपको ओरिएंट भी किया जाएगा। और इस यूनिट को बिल्कुल सेपरेट पढ़ेंगे, यूनिट 1 में भी आपका ICT दो जगह पे है लेकिन वहां पे फोकस अलग है, तो उनको उसी तरीके से टैकल किया जाएगा। और यूनिट 8 में जो ICT है इट इज रिलेटेड विद एजुकेशन, तो यहाँ पर इसका फोकस डिफरेंट है, तो यहाँ पर इसको सेपरेट टीचर्स पढ़ाएंगे और इसका एक अलग ओरिएंटेशन के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं यूनिट 9 की एजुकेशनल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप और यूनिट 10 इंक्लूसिव एजुकेशन, यूनिट 9 के अंदर कुछ मैनेजमेंट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, लीडरशिप के जो कॉन्सेप्ट, मैनेजमेंट जो लोग कॉमर्स के होंगे उनको थोड़ा सा एडवांटेज इसमें रहता है क्योंकि ये थ्योरीज आप बीकॉम में एमकॉम में आप पढ़ चुके होंगे, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एडवांटेज रहेगा। और इंक्लूसिव एजुकेशन अगेन एन एक्सटेंशन ऑफ स्पेशल एजुकेशन,
वो भी यूनिट 10 है आपका है। तो अल्टीमेटली इस सारे ओरिएंटेशन का एक ही मकसद है कि आप लोग ये समझ जाएं कि जो आपने पढ़ना है वो न केवल आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि आपको अपने प्रोफेशन में स्टे करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो क्योंकि आप सबने प्रोफेशन चुना है, बहुत जेन्युइन प्रोफेशन है, और इसके साथ आप सब लोग मन से जुड़े रहना चाहते हैं, और हम भी आपको ये बेस्ट विशेष देते हैं कि आप लोग इसके साथ जुड़े रहें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा न्याय करें अपनी भूमिका के साथ। हम भी यही कोशिश कर रहे हैं, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की हम क्लास यहीं पर एक अच्छे नोट के साथ खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच सो मच सर अगेन। कोशिश मैंने की है कि बच्चों को एक ओरिएंटेशन करने का, कि कैसा एक आइडिया देने का मैंने प्रयास किया है कि हम लोग कितनी चीजें करने वाले हैं। दे आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू से, बट समय का कंस्ट्रेंट ध्यान में रखते हुए अभी मैंने एक ओवरव्यू रखा है, और होपफुली लोगों को समझ में आया होगा, और कोई क्वेरीज होंगी तो दे कैन आस्क। थैंक यू सो मच। थैंक यू डियर पार्टिसिपेंट्स। मैक्सिमम थिंग्स हैव बीन शेयर्ड बाय डॉक्टर योगेश जी, एंड यू शुड फॉलो अवर अपडेट्स इन फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप एंड गूगल ग्रुप। वी शेयर ऑल अवर इंफॉर्मेशन अनाउंसमेंट इन अवर कंसर्न ग्रुप, सो डोंट वरी, वी विल इंफॉर्म यू टाइमली। सर आवाज थोड़ी कम आ रही है आई थिंक। We will inform timely. We will share our time schedule, timetable of our coaching classes in our Facebook group, in our Telegram group. And only one online class will be held every day from 6 p.m. to 7 p.m. or it may also be from 7 p.m. to 8 p.m. if any emergency arises with our teacher. Teachers will teach you on rotation basis. They will teach you as a Facebook live session in our Facebook group. They will come live in a Facebook group from their own account. These are few informations. Please be with us in our Telegram group, because we will also post important questions in quiz form in our Telegram group regarding a UGC NET education. Thank you. आज के लिए इतना ही बहुत है, फिर हम मिलेंगे। कल 6 से 7 पहली क्लास होगी, इसके बाद मैं डाल दूंगा जो हमारा टाइम टेबल है, आप लोग फॉलो करें। गूगल ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, अपना ईमेल आईडी चेक करें, जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं उनको जरूर जोड़ें। आज का ओरिएंटेशन क्लास अब समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच योगेश सर, इस क्लास को हम लोग अब समाप्त किया जाए। जी सर, यही यही हाँ, अब कल से इनका क्लास टाइम से शुरू होगा, आज इस कार्यक्रम के बाद हम लोग टाइम टेबल शेयर कर देंगे। Thank you, dear participants and aspirants. Best wishes for your bright future. Be with us and send your feedback in our platforms. Thank you.